गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ठीक गसल्स चैप्टर के ग्रामर वाले पोर्शन के कुछ एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करने वाले हैं। वर्किंग विथ लैंग्वेज, कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? वर्किंग विथ लैंग्वेज, वर्किंग विथ लैंग्वेज। इसमें हमने एक एक्सरसाइज हल कर ली थी, दूसरी एक्सरसाइज हमारे पास बची हुई है, उसको हम हल करने वाले हैं। उसमें करना है क्या आपको? उसमें आपको कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स दी गई हैं, उसके रूप्स बनने हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज टू ब्लैंक्स, क्या आएगा? ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज, यानी बी वाला जो क्वेश्चन आपका है वो कैसा रहेगा? ईच ऑफ द फॉलोइंग, each of the following sentences, each of the following sentences has two blanks, कितने blanks आएंगे? has two blanks, उसमें दो आपको क्या मिलेंगे? blanks मिलेंगे। उसमें क्या करना आपको? blanks and fill in the blanks with, fill in the blanks, fill in the blanks, fill in the blanks with, fill in the blanks with appropriate forms, appropriate forms, appropriate, appropriate forms of the words, of the word, form of forms of the word given in brackets, given in brackets, bracket में दी गई form का सही रूप भरना है। पहला question आपके सामने में यहां रख रहा हूं, इसको हम हल करते हैं। देखो पहली बात है, द, आपको यहां से लिखना है, फिर यह आपके लिए blank रहेगा। द said that, said that only fresh evidence, only fresh evidence, fresh evidence यानी ताजा जो इसकी गवाही है, only said that only fresh evidence would make him, would make him, would make him change his blank, और आपके पास verb दी हुई है judge। अब देखो दोनों ब्लैंक्स में जज की फॉर्म्स फिल करनी है, आपको कहां इसकी वर्ब भरनी है, कहां क्या करना है ये समझना होगा। द जज, नाउन और वर्ब का यूज करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज टू ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, वर्ड की फॉर्म भरनी है, वर्ब की नहीं, वर्ड, कहां वो वर्ब के रूप में आएगा, कहां वो नाउन के रूप में आएगा, कहां वो एडजेक्टिव के रूप में आएगा, ये सब आपको फिल करना है। तो वर्किंग विथ लैंग्वेज में हम ये बात कर रहे हैं। तो देखिए, द जज सेड, अब जज का तो जज ही होता है, नाउन किसने कहा, तो इसमें तो जज का जज ही आ जाएगा। द जज सेड, जज ने कहा, ओनली फ्रेश एविडेंस, केवल कोई अगर ताजा या कोई एकदम नया फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, को ऐसा आप एविडेंस रखो जिससे कि मैं अपना निर्णय बदल सकूं, जजमेंट। तो यहां क्या हो जाएगा? जे यू डी जी एम ई एन टी, जजमेंट, फ्रेश एविडेंस। तो पहले ब्लैंक में आएगा द जज सेड दैट, जज ने कहा कि ओनली फ्रेश एविडेंस, कोई फ्रेश एविडेंस जो होता है, कोई ताजा प्रूफ जो होती है, वुड मेक हिम चेंजेस, उससे मैं अपने निर्णय को बदल सकता हूं। तो हमारे पास जो वर्ड था जज, उसके आधार पर हमने पहले ब्लैंक में जज भरा जाएगा और दूसरे में जजमेंट भरा
जाएगा। एक में तो आ रहा आपका जज, तो क्या हो गया, नाउन हो गया, जजमेंट एडजेक्टिव हो गया, निर्णय हो गया। अब अगला दूसरा वाक्य, दूसरा सेंटेंस जो है उसको यूज करते हैं। सेकंड वाला सेंटेंस कह रहा है आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस, एस ई आर आई ओ यू एस सीरियस, और ब्लैंक आएगा आपके यहां सीरियस ऑफ ऑप्शन, ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन सॉरी ओपिनियन, ओपिनियन ओ पी आई एन आई ओ एन ओ पी आई एन आई एन ओपिनियन अमंग द अमंग द डिबेटर्स, डिबेटर्स, डिबेटर्स का मतलब जो इसमें बात ओपिनियन दिए थे, विवाद विवाद कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, डिबेटर्स कॉमा आल्दो दे ए एल टी एच ओ यू जी एच आल्दो ए एल टी एच ओ यू जी एच आल्दो दे, फिर यहां एक ब्लैंक आएगा आल्दो दे फ्रॉम वन अनोदर, फ्रॉम वन अनोदर, फ्रॉम वन अनोदर ओवर ए स्मॉल पॉइंट, ओवर ए स्मॉल पॉइंट, वो एक छोटे से बिंदु पर क्या थे। अब हमारे पास वर्ड है डिफर, क्या वर्ड है डिफर, इसका यूज करना। देखो I didn't notice any serious differences, यानी I did not notice any serious difference of opinions, यानी उसके विचारों में opinions में कोई विशेष परिवर्तन, difference, D I F E R E N C E difference, D I तो difference हो गया कि मैंने उसके निर्णयों में या उसके opinions में कोई विशेष difference महसूस नहीं किया। debaters डिबेट में जो भाग लेने वाले लोग थे उसके ओपिनियन में कोई विशेष अंतर नहीं था। Although they differed, D I W F E R E D, differed, तो क्या थे D I W F E R, they differed from one another or a small point, वो एक छोटे से बिंदु पर एक दूसरे से अलग थे। Differed तो इधर वर्ब हो गई, इधर एडजेक्टिव बन रहा था, and or a small point। इस तरीके से हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है इट इज ए फेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज ए फेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज ए फेरी सिंपल क्वेश्चन टू ब्लैंक, बट विल यू एक्सेप्ट, बट विल यू एक्सेप्ट माई, बट विल यू एक्सेप्ट माई एज फाइनल, एज फाइनल। और आपके पास वर्ड है जिसको यूज करना है वो है आंसर। देखना इट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, आंसर का आंसर ही आएगा कि ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है उत्तर देने के लिए। बट विल यू एक्सेप्ट माय आंसर, क्या तुम मेरे उत्तर को एज ए फाइनल, मैं जो आंसर दूंगा उसको आप फाइनल स्वीकार करोगे कि इट इज ए वेरी, इट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, अर्थात ये बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है उत्तर देने के लिए, टू आंसर उत्तर देने के लिए। बट विल यू एक्सेप्ट माय आंसर एज फाइनल, क्या आप मेरे आंसर को फाइनल अंतिम रूप से स्वीकार करोगे।
इस तरीके से दोनों में इसमें आंसर का आंसर ही रहेगा, देयर इज नो चेंज, इस शब्द में कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखना चौथा इसका जो क्वेश्चन है, चौथा एग्जांपल जो वो दे रखा है, हर्मिट्स सॉरी इट इजंट थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, इट इजंट ब्लैंक एंड ब्लैंक, इट इजंट एंड ब्लैंक should always be the mother of invention, should always be the mother of invention, 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 invention. ऑप्शन है हमारे पास NEWS necessary, NECESSARY necessary। अब देखना it isn't necessary, CESSARY, it isn't necessary and necessity, NECESSITY necessity, should be always the mother of invention, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या होता है इसका मतलब, it isn't necessity and necessary, necessity should be always the mother of invention, आवश्यकता जो होती है, necessary जो होती है आवश्यकता, and necessity आवश्यकता आविष्कार की, invention की क्या होती है, जननी होती है, necessary and necessity, तो it isn't necessary या आवश्यक नहीं होता है, necessity should be always a mother of inventions, ये हमेशा it is necessary आवश्यक नहीं होता है, कि necessity आवश्यकता जो होती है should be a mother of invention, हर जगह ये जरूरी नहीं होता कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगला हम बिंदु बात कर लेते हैं, फिफ्थ नंबर वाला, हर्मिट्स यानी साधु लोग, हर्मिट्स आर ब्लैंक, हर्मिट्स आर मैन, कैसे आदमी होते हैं, हाउ दे एक्वायर ACQUIRE, हाउ दे एक्वायर देयर ब्लैंक नो वन कैन टेल। और आपके पास वर्ड है जिसको आपको फिल करना है, वाइज, देखना हर्मिट्स आर वाइज मैन, कैसे व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल, अपनी बुद्धि मता को किस प्रकार से प्रेजेंट करना, तो विजडम क्या आ जाएगा, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका आप प्रयोग करके इनको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो है लास्ट सिक्स्थ में हम देख पा रहे हैं, द कमेटी हैज, देखना द कमेटी हैज, यहां ब्लैंक रहेगा, द कमेटी हैज टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ टीम। अब उसने कैप्टन बना दिया उसको, द डिस फिर द
ब्लैंक इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन उससे हर कोई मिला। देखिए द कमिटी हैड डिसाइडेड DECIDED आपके पास इधर वर्ड होगा DECID क्या वर्ड है डिसाइड DECID डिसाइड में से आपको करना है तो कमेटी ने क्या किया द कमेटी हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम द कमेटी हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम क्योंकि जगदीश को टीम का कप्तान चुना जाएगा एंड देखिए द डिसीजन इज लाइकली और उस निर्णय को DECISION द डिसीजन इज लाइकली टू बी प्लीज एवरीवन और उस निर्णय से हर कोई प्रसन्न था सब कुछ खुश थे यानी हर कोई व्यक्ति उसको पसंद करता था निर्णय को अच्छा बता रहा था। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे आपके सामने जिनको आपको फिल करना था और सबके अंदर दो दो आंसर है एक एक जो शब्द दिए उनको दोनों को किसी को नाउन के रूप में किसी को एडजेक्टिव के रूप में किसी को वर्ब के रूप में अलग अलग फॉर्म में उसको भरना था जो कि हमने इसके माध्यम से समझा और किया। थैंक यू वेरी मच।